सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि आप अपने चैनल पे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ा सकते हो, वॉच टाइम कैसे बढ़ा सकते हो, पूरा इस वीडियो में ट्रिक बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखो, हम जो है अपने डेड चैनल को रिवाइव कर रहे हैं, साथ में उन चैनल को बूस्ट करवा के हेल्प कर रहा है जो हमारी वीडियोस देख रहा है, जिनके सब्सक्राइबर जीरो हैं उनको सब्सक्राइबर बढ़ाने में भी टिप्स दे रहे हैं। और हमारा चैनल पहले बहुत अच्छा ग्रो करता था, जिनका मैंने प्रूफ आपको पुराने प्लेलिस्ट में दे रखा है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर लेना, जो अभी अभी मैंने वीडियो डाला है। आज हम लोग एनालिटिक्स का रिव्यू डालने वाले थे कि कैसा एक हफ्ते में हमारा चैनल का रिस्पॉन्स रहा है, क्या वो रिवाइव हो रहा है, तो वो नहीं डाल पाए हैं और कल हम एक्टिव नहीं थे, उसके लिए सॉरी। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको कल जाके मतलब कुछ दिन बाद जाके अपलोड करेंगे, उसके बारे में पूरा अच्छे से रिव्यू डालेंगे, ठीक है। तो इस 1 दिसंबर को हम लोग पूरा रिव्यू डालेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको अपने सब्सक्राइबर इंक्रीज कैसे करने हैं। सबसे मेन मुद्दा यही रहता है कि 1000 सब्सक्राइबर पहले हो जाए, फिर 4000 घंटे की वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। तो मैं दो तरीका बताऊंगा, एक सब्सक्राइबर इंक्रीज कैसे करना, दूसरा वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। दोनों को ध्यान से सुनना। देखो, स्टार्टिंग में जो होता है ना, आप क्या करते हो, वीडियो बनाते हो। वीडियो बनाने के बाद पहले चैनल बनाओगे, फिर वीडियो बनाओगे, और चैनल को वीडियो बनाने से पहले चैनल को बना के जैसे आपने क्रिएट चैनल कर लिया, उसके बाद आप शेयर करने लगोगे, 10 लोगों से सब्सक्राइब करवाने लगोगे, जान पहचान लोगों से, दोस्तों यारों से। वो आपको बिल्कुल भी नहीं कराना, वो आप डेड सब्सक्राइबर अपने इंक्रीज कर रहे हो, क्योंकि वो आपका वीडियो नहीं देखते हैं आपके कहने। जब तक आप उनको फोर्स नहीं करोगे, आप उनको वीडियो का लिंक नहीं भेजोगे, जब तक आप उनसे 10 बार कहोगे नहीं स्क्रीनशॉट भेजो, तब तक वो कुछ भी नहीं करते हैं। चाहे आपके दोस्त हो, कितना अच्छा दोस्त हो, यार रिश्तेदार कोई भी हो, सबका यही है, क्योंकि मैंने पर्सनली ये सब झेला है और बहुत सारे लोग हैं। तो इससे आपका चैनल का रिव्यू डाउन हो जाएगा। अगर आपको क्या करना, चैनल क्रिएट करने के बाद अच्छे से पहले एक वीडियो बना लेना है, 8 से 10 मिनट का, मिनिमम 8 से 10 मिनट का वो वीडियो होना चाहिए। और उसको अच्छे से एडिट करके उसका साउंड क्वालिटी, उसमें इंट्रो आउट्रो मत रखना, क्योंकि इंट्रो आउट्रो से आपका इंप्रेशन जो है डाउन होता है। देखो, अब मैं भी अपने वीडियो में इंट्रो आउट्रो नहीं रखता हूँ, बस कुछ बेसिक्स बताता हूँ जो मैंने पिछले वीडियो में किया है। वो तो आपका तो नया वीडियो, आप तो कुछ बताओगे नहीं, डायरेक्ट आप पॉइंट स्टार्ट करना, पॉइंट पे खत्म कर देना। ये सब करने के बाद आपको क्या करना है कि अपने वीडियो को कहीं भी शेयर नहीं करना, थंबनेल को इतना कम मतलब अट्रैक्टिव तो बनाना, जो थंबनेल का बैकग्राउंड है उसको मतलब रेड कलर ही लेना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंप्रेशन बनाता, रेड ही रखना। और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें रखना कि बहुत कम चीज़ें उसमें पता हो, लेकिन क्यूरियोसिटी बढ़े, लोग उस पर क्लिक करें कि देखें उनका टॉपिक्स। और ट्राई करना कि एवरग्रीन वीडियो बनाओ, एवरग्रीन मतलब जो हमेशा सर्च हो, कि ऐसा ना हो कि 4 दिन सर्च हो कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनल हुआ था वो 4 दिन देखे लो, उसके बाद आप देखना बंद कर दिए हैं। तो करंट टॉपिक नहीं, आप एवरग्रीन टॉपिक उठाना। करंट टॉपिक में क्या होता है कि व्यूज तो अचानक से आ जाते हैं कुछ टाइम तक, उसके बाद वो वीडियो डेड हो जाता है। तो आप एवरग्रीन टॉपिक उठाना, जिससे आपका वीडियो का व्यूज आते रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपका वीडियो बूस्ट कैसे होगा, क्योंकि आपका चैनल न्यू है, जैसे मेरा ओल्ड है, मेरा डेड सब्सक्राइबर है, मैं तो रिवाइव कर रहा हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा बस 2-3 चीजें करनी है, और ये आपको करना ही पड़ेगा, और 100% गारंटी देते हैं आपके व्यूज आने ही आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको देखो, सबसे पहले आप चैनल वैनल बना लेना, सब कुछ कर लेना, सारी सेटिंग कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है कैसे क्या सेटिंग करना है, किसमें क्या करना है, और रियल सब्सक्राइबर वाला प्लेलिस्ट जाके एक बार देख लेना, आई बटन पे भी मिल जाएगा। वो सब करने के बाद आपको क्या करना है, आपके पास जितने भी डिवाइसेस हैं, अगर लैपटॉप है, टैबलेट है, मोबाइल है, सब में एक एक ईमेल आईडी या 2-2 ईमेल आईडी बना लेना, ठीक है, अलग अलग नंबर से। मम्मी के फोन में 2 ईमेल आईडी, पापा के फोन में, भाई बहन रिश्तेदार जितने भी हैं उनके फोन में। मैंने मना किया था शेयर करने से, आई नो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आपको रिवाइव मतलब बूस्ट कैसे करना है आपके वीडियो को। सब्सक्राइब नहीं करना है किसी उन सारे ईमेल आईडी से, आपको अपना चैनल सब्सक्राइब तब तक नहीं करना जब तक आप उनसे वीडियो ना देखो। अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो रेगुलरली क्या करना, जैसे आप 10 मिनट का वीडियो डाले हो, तो उन 10 मिनट के वीडियो को आपको क्या करना है, डालते ही अपलोड करने के बाद सर्च करके, आपके चैनल को सर्च करके YouTube पे, उसको उन सारे ईमेल आईडी से मतलब 20 मिनिमम 20 ईमेल आईडी से पूरा 10 मिनट का वीडियो वॉच करना है 2 बार, ठीक है। एक बार पूरा नॉर्मल वॉच करना, फिर 2x पे वॉच करना, फिर लाइक करना और कमेंट करना, ठीक है। अब वो लोग सोचने तो जो सोचना, अच्छा कमेंट करना, और देखने के बाद कमेंट करना, और शेयर बटन पे बस क्लिक कर देना, ठीक है, उसके शेयर बटन पे क्लिक कर देना, बस कुछ और नहीं करना है। तो इससे क्या होगा कि आपके पास वीडियो पब्लिक करते ही इंस्टेंट ऑडियंस रिटेंशन आ गया। यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये लगेगा कि ये देखो, इसके वीडियो में कुछ बात है, थोड़ा सा वो जो इम्प्रेशन होता है वीडियो का, वो आपका 1000 से लेकर 10000 के बीच या लाख तक जा सकता है। अभी
देखो मैं कहीं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा फिर भी इंप्रेशन 1000-1500 जा रहा है 20-30 व्यू पे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 20-30 व्यू फुल वॉच टाइम जाए, मतलब एवरेज जो ड्यूरेशन होता है मेरा अभी एक मिनट का ही चल रहा है। देखो इस वीडियो में मैं बता ही दे रहा हूँ, लेकिन एक तारीख को मैं अच्छे से पूरा बताऊंगा, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो आपका जो है 10 मिनट का पूरा एवरेज, मतलब 20 लोग देखे हैं, 10 मिनट यानी 200 मिनट कंप्लीट होना चाहिए आपका, ठीक है। और ये मैं वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये अब वीडियो 10 लोगों के बीच और भेज सको, मतलब 20 लोग तो देख रहे हैं, साथ में 100 लोग और देख लें, 10 लोग, 100 लोग, 1000 लोग, बहुत सारे लोग और देख लें। ये मैंने जब अपना चैनल स्टार्ट किया था तब मैं ये ट्राई करता था और ये 100% वर्क करता है, ठीक है। हाँ, लेकिन आप मल्टीपल, ये नहीं कि 2 ईमेल से 100 ईमेल बनाने लगे, 10 डिवाइसेस में मल्टी लॉग इन करके बार बार वॉच करे, बार बार वॉच करे, उससे कोई मतलब नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है। कुछ देर के लिए वॉच टाइम बढ़ेगा, फिर वो अपने आप डाउन कर देगा यूट्यूब। सिर्फ 2 बार करना है आपको, और एक बार फुल देखना है, एक बार 2x पे देखना है, उसके बाद कंप्लीट हो गया, लाइक करना, कॉमेंट करना है, ठीक है। ये सब करने के बाद वापस से आपको अपने चैनल पे आ जाना है। चैनल पे आने के बाद जितने भी कॉमेंट आए हैं उन सबका रिप्लाई करना है, थैंक यू करो या कुछ भी करो, इमोजी दो, लेकिन रिप्लाई करना है और एक दो कॉमेंट पिन कर देना, ठीक है। और जैसे 24 घंटा कंप्लीट हो जाता है तो आप अपना वीडियो किसी ऐसे जगह शेयर करना जहां पे उस चीज का डिमांड हो, मतलब वीडियो उस टॉपिक पे लोग सर्च कर रहे हो, नहीं मिल रहा हो, वहां उस ग्रुप में आप जाके शेयर कर सकते हो। अब बात करोगे कि अब ग्रुप कहां से आएगा, 24 घंटे बाद क्यों शेयर करना है, इंस्टेंट क्यों नहीं, क्योंकि ऑडियंस रिटेंशन डाउन होने का, इंप्रेशन डाउन होने का खतरा है। 24 घंटे बाद आप शेयर करना उस जगह जहां पे आपका वो उस टॉपिक से रिलेटेड सर्च हो। अब वो कैसे ढूंढना, आपको क्या करना, फेसबुक अगर आपके पास अकाउंट है तो फेसबुक अकाउंट बनाना, वहां पे उस टॉपिक से रिलेटेड लाखों ग्रुप मिल जाएंगे जो पब्लिक ग्रुप होगा, जिनमें आप पोस्ट कर सकते हो, उसमें आप पोस्ट करना, ठीक है। इसीलिए बोलो थंबनेल इतना अट्रैक्टिव बनाना कि उसमें कुछ पता ना चले लेकिन उससे रिलेटेड उनका टॉपिक हो, उस पर वो क्लिक करेंगे और वो डायरेक्ट चले जाएंगे। जैसे देखो मैंने थंबनेल बनाया है, आपको टाइटल से पता चल गया होगा लेकिन थंबनेल से थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन आपसे रिलेटेड होगा, तो इसलिए आपने इस वीडियो पे क्लिक करके आपने देखा है, तो ये आप एक बार ट्राई करके देखना और चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ हमारा प्लेलिस्ट चेक कर लेना। साथ में अगर आपको इस तरीके का सबटाइटल ऑटो जनरेटेड इंग्लिश में, जो मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, ऑटोमेटिक इंग्लिश में सबटाइटल जनरेट कर रहा है, और बहुत सारे लैंग्वेज में आप सबटाइटल जनरेट कर सकते हैं, अगर वो सब सीखना है तो आप चैनल पे कमेंट कर देना वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं इस पे एक वीडियो जरूर बनाने वाला हूं, तो वो आपका भी हेल्प हो जाएगा, उस वीडियो को देख लोगे काम हो जाएगा, सबटाइटल लिखने का टेंशन नहीं खत्म, और आप जो है फॉरेन के अपने व्यूअर्स को ला सकते हो अपने चैनल पे, वो उनसे सब्सक्राइब करा सकते हो, उनका सबटाइटल रहेगा, आपसे वो वीडियो देखेंगे, उसका ऑडियंस रिटेंशन होगा, चैनल अगर मोनेटाइज हो गया तो अच्छा खासा आपको पैसा इंक्रीज ज्यादा होगा, आपके वाइट स्टूडियो ऐप में दिखा देगा वो अर्निंग, ठीक। साथ में आप प्लेलिस्ट जरूर से देख लेना, दोनों प्लेलिस्ट मैंने दिया है, एक आपको चैनल है कैसे क्या करना है, वो 10 वीडियो या 12 वीडियो उसमें सब कुछ बताया, उसको आप देख लेना, 2x पे देखना, भगा के देखना, लेकिन देख लेना, उसमें आपका ही फायदा है, मेरा भी फायदा है, आई नो व्यूज मिलेंगे तो अर्निंग थोड़ी सी इंक्रीज होगी, ठीक है। और रही बात हमारे चैनल की ओवरव्यू की, वो हम आपको जल्द ही 1 तारीख को 1 दिसंबर को लाएंगे, आप जरूर से चेकआउट करना, रोज रात 9 बजे हम लोग लाते हैं। और सबसे मेन बात, जो आपका चैनल क्रिएट करोगे, सब्सक्राइबर इंक्रीज करोगे, वीडियो शेयर करोगे, जितना भी मैंने अभी वीडियो में बताया, एक मेन चीज कि आपको एक परफेक्ट टाइमिंग रखना, उसी टाइमिंग पे डेली अपलोड करना, व्यूज आए या ना आए, कुछ भी हो जाए, आपको उस टाइम पे वीडियो अपलोड करना ही करना है, 10-20 मिनट लेट हो गया, आधा घंटा लेट हो गया, लेकिन उसी टाइम जोन के आसपास आपको वीडियो अपलोड करना है डेली। और उसका भी मैंने कैसे टाइम आपको बनाना है वो मैंने वीडियो में बताया, उसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। अगर आपको अर्निंग करना होगा तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आप कहां से थोड़ी एफिलिएट अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बस लिंक शेयर करना है, उसमें आपको जो भी रजिस्टर करेगा आपको प्रॉफिट होगा, और आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, डायरेक्ट आप अपने पेमेंट UPI में पैसा ले सकते हो, वो ट्रिक भी मैं बता दूंगा। और साथ में आप क्या करना, जो आपने वीडियो डाला उसका शॉर्ट्स भी बना बना के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को 1 मिनट का शॉर्ट्स कट करके उसको अपलोड करना। डिस्क्रिप्शन में पूरे वीडियो का लिंक है, आप कमेंट में पूरे वीडियो का लिंक पिन है, वहां से आपको और अच्छे से ऑडियंस मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।